अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और हम आपको दिखा रहे हैं कि आज 29 रमज़ानुल मुबारक की रात है और इस वक्त आप देख सकते हैं मीरपुर के बाज़ारों में एकदम से रश बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा जो है लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में निकल चुके हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही रुअत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि रमज़ान मुबारक का जो है वो अभी आज कल 30वां रोज़ा है, चांद नज़र नहीं आया ईद का, लिहाजा ईद उल फितर परसों होगी, इसलिए अचानक से बाज़ारों में रश बढ़ गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चौक शहीदा में जो ये कस्टमर्स है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो बाज़ारों में निकल चुके हैं और ख़रीदारी के लिए लोग अपने अपनी ईद की ख़रीदारी लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एकदम से जो है ना बाज़ारों में रश बढ़ गया है। जैसे ही ऐलान हुआ है कि चांद नज़र नहीं आया ईद का, तो जाहिर बात है कि लोगों ने इसको चांद रात के तौर पर, लोगों को पता है कि अभी सुबह दुकानें नहीं खुलेंगी, लॉकडाउन की वजह से कल जो है वो तमाम बाज़ार बंद रहेंगे, इस वजह से लोग जो है बड़ी तादाद में घरों से निकल आए हैं शॉपिंग के लिए। ये इस वक्त चौक शहीदा के करीब पीरे शहगाज़ी मार्केट में, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके बाज़ार में रश शुरू हो गया है, कस्टमर्स काफ़ी तादाद में लोग जो है ना वो शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं जी। लोग जूतों और कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त ज़्यादा तादाद जो है वो जूते और इस तरह की जो मनियारी की प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदने के लिए लोग इस वक्त काफ़ी तादाद में जो है वो घरों से निकल चुके हैं।